नमस्ते साथियों, मैं दीक्षेंद्र हूं और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त का व्हाट्सएप न्यूज बुलेटिन। और आज का जो विशेष कार्यक्रम है वैदिक विजन, एक वैदिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए आर्य समाज का और किस प्रकार से हमारे समाज को नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं आर्य समाज की एक धरोहर, जिनको मैं कहूँगा वैदिक विद्वान भी हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा में बहुत बड़े अधिकारी रहे, आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार जी IPS हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि उनका क्या दृष्टिकोण है कि आर्य समाज उन्हें वही आर्य समाज बने जिसकी कल्पना ऋषि दयानंद ने की थी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और मैं निवेदन करूँगा कि आप अपना विजन हमारे साथियों के सामने रखें। देखिए, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की जो स्थापना की थी उसका मुख्य उद्देश्य था वैदिक विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाए। वैदिक विचारधारा का मतलब ये है कि जो मानवीय गुण हैं, जिसे हम मानवीय धर्म कह सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कैसे हो। ये कोई अलग से धर्म नहीं था, ये अलग से कोई मतांतर नहीं था। ये जो मानवीय गुण होते हैं, जिसे हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के रूप में जानते हैं, या जहाँ मनु ने कहा है कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो उसमें न हिंदू की बात है, न मुसलमान की बात है, न क्रिश्चियन की बात है, उसमें भी बात कही गई है तो वो ये कि हर व्यक्ति को धैर्यशाली होना चाहिए, हर व्यक्ति को इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, हर व्यक्ति को सत्यवादी होना चाहिए, हर व्यक्ति को एजुकेशन लेनी चाहिए। ये धर्म के वो लक्षण हैं जो दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हर व्यक्ति को धैर्यशाली होना जरूरी है, हर मुसलमान को धैर्यशाली होना जरूरी है, हर सिख को सत्यवादी होना जरूरी है, हर व्यक्ति को एजुकेशन लेना जरूरी है। ये धर्म के वो लक्षण हैं जो किसी नैरो जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण जो बना हुआ है उससे ऊपर ये धर्म के लक्षण बताए गए हैं। और यही दृष्टिकोण महर्षि दयानंद का था, वही दृष्टिकोण उन्होंने हमारे सामने रखा है। और हम सबका ये उद्देश्य होना चाहिए कि ये जो धर्म के लक्षण हैं, ये जो धर्म का स्वरूप है, वो पूरी मानव जाति में बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी राष्ट्रगत भेदभाव के, बिना किसी रंग के भेदभाव के, बिना किसी लिंग के भेदभाव के, हम सब व्यक्तियों में, सब समाजों में इस धर्म का जो स्वरूप है उसको हम प्रचारित और प्रसारित करें। डॉक्टर साहब, मैं अंतिम जो आज का प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने एक बहुत अच्छा एक दृष्टिकोण दिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करने के लिए क्या योजना होनी चाहिए, बहुत संक्षिप्त में। मेरा केवल अनुरोध इतना ही है कि आर्य समाज के लोग यदि मंदिरों से बाहर निकल जाए, दुर्भाग्य से हमने अपने आप को मंदिरों में, आर्य समाज मंदिरों में नियंत्रित कर लिया है, हम यदि उससे बाहर निकले, हम जो भी कार्यक्रम करें, नए लोगों के साथ कार्यक्रम करें, बाहर कार्यक्रम करें, तो नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हमने अपने आप को जो सीमित कर दिया है मंदिरों तक, उससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। दूसरी चीज, हमारे जितने संस्थान हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी हम व्यवस्था को और अवस्था को सुधारें। यदि उस व्यवस्था को हम सुधार सकते हैं तो जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गुरुकुल हों, चाहे वो स्कूल कॉलेज हों, चाहे वो DAV इंस्टीट्यूशंस हों, उनके माध्यम से एकदम काया पलट हो सकता है। थोड़ा सा संगठन में परिवर्तन लाने की जरूरत है, हमें प्लानिंग करने की जरूरत है, योजना बनाने की जरूरत है। यदि हम योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो हम बहुत काम कर सकते हैं। अभी हमारी समस्या ये है, मेरी समझ में जो आता है वो मैं आर्य समाज से प्रभावित होकर कुछ काम करना शुरू कर देता हूँ, आपकी समझ में कुछ आता है आप अपने तरीके से करना शुरू करते हैं। हम लोग मिल करके एक प्लानिंग करके, एक योजना बना करके उस ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हम इस ढंग से काम करना शुरू कर देंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारी विचारधारा ऐसी है जो सबको अपीलिंग करती है, सबको अच्छी लगती है और सबसे अच्छी है, तो लोग उसको स्वीकार करने में कोई देरी नहीं करेंगे। केवल हमें अपना तरीका बदलने की जरूरत है।
लोग आपको स्वीकार करेंगे यदि आप आर्य समाज मंदिरों से बाहर निकलते हैं। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज मंदिर नहीं बनाए, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज बनाया और हम लोगों ने मंदिर बना करके अपने आप को कहीं ना कहीं शायद संकुचित कर लिया है, यही कहना चाहते थे डॉक्टर आनंद कुमार जी। और जब हम आर्य समाज को बाहर लेकर के जाएंगे, आम आदमी तक आर्य समाज पहुंचेगा, तो शायद एक नई फिजा बनेगी और ऋषि दयानंद के सपनों को साकार करने का हमारा जो संकल्प है वो पूरा होगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और मिशन आर्यवर्त की हर एक गतिविधि से आप लोग जुड़े रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, दोबारा से नोट कर लीजिए, 9354840454। स्क्रीन पर हमारा ईमेल आईडी आपके पास है, स्क्रीन पर फेसबुक हमारी आपके पास है, इनसे जरूर जुड़ करके रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं अपने सुझाव हमें जरूर भेजते रहें। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।